सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर वन स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी दी रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशली लाइव किया जा रहा है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स में एक और चैप्टर चैप्टर नंबर 3 जो कि बाइनोमियल थ्योरम्स के नाम से है, उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लाइव स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू से सारी चीजों को कवर करते हैं। पिछले वीडियो में सुनो, ये क्लास एक सवाल के लिए नहीं है, इस क्लास में आपको 20 सवाल कवर करने हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर होने जा रहा है और 20 से ज्यादा सवाल आप करेंगे। हालांकि मैं 20 बता रहा हूँ क्योंकि इसके पे बेस्ड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में हम लोग द्विपद प्रमेय पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी कवर कर रखा था और इस टाइप के भी क्वेश्चन था कि जैसे इस कोई भी x प्लस a के पावर n का प्रसार करना हम लोग सीखे थे, पांचवा पद ज्ञात करना है ना, मध्य पद ज्ञात करना, या फिर संख्या दे रहा था कि x के पावर 5 का गुणांक क्या होगा। ये सब सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ऐप में ऑलरेडी वीडियो लगा हुआ है, उसे आप एक बार देख लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपके पास अच्छे से आ पा रही है ना, एक बार यस में बता दीजिए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो आरडीएक्स, प्रीतम, रोशन, हैकर नीतीश, सभी का वेलकम है। चलो ओके, आई होप आपके पास सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि हम टाइम कम लेंगे और चीजें हमें ज्यादा पढ़ना है, तो शुरू से हम लोग सीखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक सवाल पूछता है, महत्तम पद ज्ञात करना। बहुत ही बच्चों को ये डाउट होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होता ही है, आपने 11th के बुक में भी पढ़ा होगा, फिर भी आपको महत्तम पद यानी कि मैक्सिमम टर्म्स ज्ञात करने में दिक्कत होता था क्योंकि सवाल वही रहेंगे, सवाल कुछ इस तरीके के रहेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा 3x - 2x की पावर 50 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करो यदि x इक्वल टू दिस, यानी x बराबर 1/5 पे आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, किस चीजों को करेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। और उम्मीद रखिए, ये मेरी गारंटी है, आप कितना हो वीक हो मैथमेटिक्स में, ये चीजें आज आपको क्लियर हो जाएंगी और 20 से 30 सवाल आप इस टॉपिक पे खुद लगाने लगोगे क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है। महत्तम पद का मतलब होता है, जैसे देखो आपको पता नहीं है कि महत्तम पद क्या है, कोई भी इक्वेशन दिया होगा इसी टाइप का होगा ना, इक्वेशन x प्लस a के पावर n है ना, द्विघात समीकरण दिया होगा, उसमें पूछेगा महत्तम पद बताइए, आपको थोड़ी ना पता है कौन सा पद महत्तम होगा, पांचवा पद हो सकता है, दसवां पद हो सकता है, 25वां पद हो सकता है मैक्सिमम आए। तो इन चीजों को ज्ञात करने के लिए, बहुत सारी चीजों को प्रूफ करने के बाद फार्मूले आए हैं, अपने फार्मूले को रटा है, फार्मूला कैसे आया, किस तरीके से आया, अगर आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सवाल खुद ब खुद आप बनाने लगेंगे, है ना। तो हमको मालूम नहीं है तो हम कुछ चीजें एजम्पशन करेंगे खुद से कि माना जो भी व्यापक पद दिया है, माना x प्लस a के पावर n का p r प्लस 1वा टी आर प्लस 1 और टी आर पद महत्तम है ना, महत्तम का मतलब मैक्सिमम, इसको आपको समझना होगा, महत्तम है। मान लेते हैं कि जो टी आर प्लस 1वां पद है महत्तम है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके लाते हैं फार्मूले को, टी आर या महत्तम पद नहीं भी पता है तो हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है इसका पद ही है, प्रूफ करके ही उसको हम बताएंगे क्योंकि पहले ही बता देंगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें हमें रटना है। मान लेते हैं टी आर प्लस 1 है, टी आर है ये पद है, तो हमें मैक्सिमम पद या तो देख के ही पता चल गया, ये आर अगर 10वां पद है तो ये 11वां पद होगा, या 20 होगा तो ये 1 जोड़ देंगे 21 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए, यहाँ पे जो टी आर प्लस 1 है ये ग्रेटर देन होगा टी आर से, इतना आपको देख के लग रहा होगा। ठीक है, अब सुनो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, जैसे टी आर प्लस 1 के अपॉन में लेकर आ जाते हैं टी आर को, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, अगर ये 11 है तो ये 10 होगा, या ये 10 है तो ये 11 होगा, यानी कि टी आर प्लस 1 में अगर हम टी आर से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए,
जब भी आएगा, जितना भी आएगा एक से अधिक ही आएगा या तो एक के इक्वल आ सकता है, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। बोलो यस या नो में, यहां तक क्लियर है सभी को? और कोशिश करेंगे ये संख्याएं हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, इसको हम लोग मॉड में ले लेते हैं कि टी आर प्लस वनवा पद जो होगा। एक बार कोशिश करना, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे का मामला बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, ये हो सकता है। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है, कि किसी भी श्रेणी का आप एनवा पद आरवा पद निकालना जानते हैं, आपको टी आरवा पद नहीं मालूम है, ना ही टी आर पद प्लस वनवा पद मालूम है, तो आप लिखेंगे कि टी आर प्लस वनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, एनसीआर के फॉर्म में इसे तोड़िए जैसे हम लोग पिछले वीडियो में किया करते थे, तो क्या हो जाएगा, जैसे आरवा पद जब निकालते थे तो क्या होता था, एनसीआर, देखो NCR बराबर जब फार्मूला खोला करते थे तो हमारा व्यापक पद का NC0 X के पावर में N माइनस R A के पावर में 0 हुआ करता था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले 0 आता था फिर NC1, पिछला वीडियो अगर जिन्होंने देखा होगा, है ना, N माइनस 1 आता था, A के पावर 1 आता था, इसको हम लोग सीखे थे पिछले वीडियो में। यहाँ पे हम उससे आगे चलेंगे एक कदम, कि हमें आगे इस फार्मूले को प्रूफ करना है। तो NCR का जो हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं, यानी कि N R प्लस वनवा पद हो जाएगा NCR, देखो NCR N के पावर में आरवा पद निकाल ले ना, तो X के पावर में N माइनस R A के पावर में, ऐसे लिख सकते हैं इसे बिल्कुल टी आर प्लस वनवा को। और इसी तरीके से हम लोग टी आरवा पद अगर निकालते तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते एन सी आर माइनस वन, क्यों, क्योंकि अब पिछले देखो ये वाला जो सवाल हम लोग पढ़े थे, अगर हमें एक्स के पावर फाइव का गुणांक निकालना था तो हम लोग समझे थे कि एक कम, उससे एक कम वाला निकालना था, जैसे इसमें एन प्लस आरवा ले रहे हैं तो हम लोग एक कम निकाले थे, यानी कि यहाँ पे एक रहा होता लेकिन हम एक कम किया इसलिए ये आर ही आया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी एन सी आर माइनस वन एक पहले का लेते हैं, दसवां पद कहेगा तो हम नौवां टर्म्स लिखेंगे क्योंकि एक जीरो वाला पहले से रहता था, है ना, ठीक है। और एक्स के पावर में एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा क्योंकि यही चीज घटाते हैं ऊपर, ठीक है, तो घटाएंगे तो माइनस आर और ये प्लस वन हो जाएगा, और ए के पावर में यही चीज यानी कि आर माइनस वन लिखा करते थे। इतना आपको पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका था। अब इसी को प्रूफ करके हम लोगों को आंसर करना है, और ये चीजें अब दो लाइन का और है, इसके बाद आपको जो कंफ्यूजन हुआ करता था यहीं तक था, आगे की चीजें आसान है। इसमें रख दीजिए टी आर प्लस वन अपॉन में टी आर इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस वन के जगह पे हम लिख सकते हैं एन सी आर x के पावर में n माइनस आर और a के पावर में r अपॉन में tr, tr की वैल्यू रख दीजिए एन सी आर माइनस वन एक्स के पावर में r माइनस वन a के पावर में r माइनस वन, है ना, n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, ठीक। इसको और इसको हमने अनुपात निकाला, और हमें पता है कि अगर ये मैक्सिमम पद की बात कर रहा है सर, ये ग्रेटर देन वन हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे है। ये मामला अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आगे चीजें बहुत ही आसान होने वाली है। देखो एनसीआर का फार्मूला खोलो, एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल में एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो आप सबको मालूम है, क्लियर। इसी तरह इसका खोलते हैं फैक्टोरियल नीचे वाले का, यानी कि एनसीआर माइनस, तो इसका हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में अपॉन में एन, देखो एन सी आर, आर रहता तो आर फैक्टोरियल करते, आर माइनस वन है तो आर माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, एन माइनस आर करते थे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एन माइनस आर ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। हमने केवल ऊपर का फैक्टोरियल खोला, ये चीज वही है, ये अभी वैसे ही है। इसको कैसे कीजिएगा, अब इसके लिए आप समझ लो, या तो देखो नीचे भी x है a भी है, ऊपर भी x है a है, तो किसी एक को या तो ऊपर ले जाओ एक के नीचे लेकर आओ,
तो हम मान लेते हैं a के पावर r ये ऊपर है, ये नीचे वाला a के पावर में r माइनस वन को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ऊपर जाएगा तो ये माइनस r और ये प्लस वन हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे x के पावर में क्या बचा हुआ है, x के पावर में n माइनस r प्लस वन है, ये वाला x के पावर इसको नीचे लेकर आएंगे, जब ये नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस एन और प्लस आर हो जाएगा, हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर क्या कोई फायदा हुआ, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल फायदा हुआ, बस देखते जाओ। पहली बात एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना, ये आर माइनस वन और ये टोटल टर्म ऊपर आ जाएगा, ऊपर लिख देते हैं कि आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे क्या था आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। स्टेप समझना, देखो आर से आर यहाँ पे कट गया, आर से आर कट गया है, ए के पावर में क्या बचा है, कुछ नहीं केवल वन बचा है। इसी तरीके से नीचे क्या बचा है, देखो आर से आर कट गया, एन से एन कट गया, एक्स के पावर वन बचा है, तो एक्स के पावर वन को हम केवल एक्स ही लिखते हैं। इससे फायदा हमें अब दिख गया, लास्ट लाइन है, अब इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप सभी से। देखो अब फार्मूले को खोल दो, r माइनस वन फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कहीं पे भी अगर पांच फैक्टोरियल रहता था तो हम इसे लिख सकते हैं पांच गुणे चार फैक्टोरियल लिख सकते थे, है ना, या फिर पांच गुणे चार गुणे तीन फैक्टोरियल लिख सकते थे, यानी एक एक कम करके लिखते थे हम लोग पिछले वीडियो तक। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे एन जो भी फैक्टोरियल रहेगा अगर हम इसको खोलेंगे तो अगला वाला इससे एक कम होगा, फिर एक कम और होता जाएगा। तो जब हम इसे खोलने जा रहे हैं r माइनस वन है, इसके बाद जब हम इसका अगला टर्म्स लेंगे तो r माइनस वन है ही, एक और कम हो जाएगा, है ना, एक और कम हो जाएगा r माइनस वन, ठीक, इसमें से एक और घटा देंगे, तो इसमें से एक और घटा देंगे। समझ में आ रहा है, नहीं, जब भी हम इसको खोलेंगे तो इसका एक्सपेंशन हमें करना होगा, और इसको या फिर r माइनस वन को रहने दो, इसको हम लोग नहीं खोलेंगे, फायदा है। अब यहाँ पे आपको माइंड यूज करना, हम इसको खोलने जा रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि प्लस वन है, इसको खोलेंगे तो अगला माइनस वन होगा तो ये कट जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि इसी को खोलिए आप, अगला टर्म्स जो है इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन है, अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, आप कहो सर फैक्टोरियल में एन माइनस आर प्लस वन है, अगला माइनस वन होता तो माइनस वन कट जाएगा, यानी कि केवल और केवल हम है ना माइनस आर लिख सकते हैं इसको। इसका हमने एक फॉर्म खोला, दूसरा अब ये आएगा, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ये इतना आसान भी नहीं है। नीचे क्या है, आर फैक्टोरियल है, तो इसको हम खोलने जा रहे हैं, आर है, अगला क्या हो जाएगा, आर माइनस वन हो जाएगा, तो हमने इसको यहाँ पे खोल दिया। इसी तरीके से एन माइनस आर है, एन माइनस आर है, रहने दीजिए, अगला टर्म्स जो है n माइनस आर है, रहने दीजिए, और इधर a बाई एक्स है, रहने दीजिए, केवल हमने इसको खोला है तो ये दो टर्म्स हो गया, r को खोला है तो ये दो टर्म्स हो गया। फायदा क्या हुआ, देखो कट गया, कैसे कटा, r माइनस वन से r माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, n माइनस आर से n माइनस आर कट गया, बचा क्या आपका, आपको सर ऊपर जो है हमारा, ऊपर क्या बचा है, एन माइनस आर प्लस वन बचा है, और नीचे केवल आर बचा है, क्या बचा, केवल आर, और गुणे ए बाई एक्स, ये आप किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, टी आर प्लस वन अपॉन में टी आर। तो ये रहा आपको जो रटवाया गया होगा इलेवेंथ के बुक में भी और इस एक्सरसाइज में भी, कि ये इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आपको इसी के बेस्ट पे सारे सवाल करने होंगे। आपको पता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, आप ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है आपको ये प्रूव करना होगा, आपको ये जानना है कि आप कभी भी अब निकालोगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करेंगे, और जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और इसी में आप कन्फ्यूज रहेंगे। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इस पर हम क्वेश्चन आज ही प्रैक्टिस करेंगे, कि ये महत्तम पद, ये आपका महत्तम पद है, महत्तम पद वाला मामला क्लियर हो जाए। तो अब आप सभी को रेडी रहना है
सर लाइव। हाँ चलो ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चंस करके इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि कैसे होने वाला है। इसको नोट कर लेंगे, इसकी बार बार जरूरत होगी। ठीक है, इसका पीडीएफ हम दे देंगे। अब देखो इसको क्वेश्चंस में अप्लाई हम लोग करते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन दे रहा है कि प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करो, आपको बताना है कि महत्तम पद कौन सा होगा। तो फार्मूला क्या है कि TR+1 / TR का मान जो है 1 से बड़ा दिखा देंगे। ठीक है, ये आपको फार्मूला मालूम है। और ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है क्या N-R+1 / R(a/x)। यही तो आपने लाया है पिछले में, N-R+1 / R(a/r), हमने भी वही लिखा है ए बाई। क्लियर? ठीक है ओके, ये एक्स है ना, क्योंकि एक्स। अब आप हमें बताओ इसका यूज कैसे करोगे इस सवाल में। एक बार पहले देखेंगे आप कि कैसे करना है, ताकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। ये जो सवाल दिया है हम लोग A+X करके किया करते थे, तो ए के जगह पे क्या है आपको सर 3 है, एक्स के जगह पे क्या है -2x है, और एन के जगह पे क्या है, एन के जगह पे 50 है ना। A+X के पावर n हम लोग मान के चले थे ना, तो n की जगह क्या है 50 है। फार्मूला यही है, यूज करो। यानी कि TR+1 / TR = आप लिखेंगे N-R, n की वैल्यू क्या है 50 रख दो। एक ही लाइन का ये सवाल ही होता है, लेकिन इसी में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब आपका कंफ्यूजन दूर होने जा रहा है। 50-R, R की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, और R का ही मान निकालना होता है एक लाइन में, समझो आरवा पद। यानी आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर वैसे ही रहेगा +1, नीचे आर वैसे ही रहेगा, और गुणे A/x। ए का जगह पे क्या है, ए के जगह पे 3 है ना, ए के जगह पे 3 है। देखो पिछले वाले में देख लो, जैसे हम लोग किसको लेकर चले थे, X+A। ठीक, X+A, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है -2x। ये एक्स का मान है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, ये एक्स का मान है, ये ए का मान है। ए का मान क्या है, इसको बस चेंज कर लो, ये एक्स का मान है और ये ए का मान है। क्लियर? अब हम इसे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे आपको सर, बिल्कुल आसान है। अब वैल्यू रखना है और कुछ नहीं, ए की जगह पे क्या रखेंगे -2x रख दिए। इसी तरीके से ए है, सॉरी एक्स है, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। इसका मान हमेशा ग्रेटर दिखाएंगे 1 से, इसको सोल्व करके आर का मान बता दो, और कुछ नहीं है। देखो 50 और 1 कितना हो जाएगा आपको सर 51 हो जाएगा, -R है, -2x है, रहने दो है ना, रहने दो। और क्या करेंगे, नीचे कितना हो रहा है 3R हो रहा है, कितना हो रहा है 3R हो जा रहा है ना, 3R इसका ग्रेटर देन 1। 2 का गुणा 1 50 में करेंगे कितना आ जाएगा आपको सर, 2 का गुणा 50 में 102 हो जाएगा, 2 का गुणा 2R में करेंगे तो +2R हो जाएगा है ना, और 3R को इधर भेज देंगे तो ग्रेटर देन 3R। यहाँ तक बोलो समझ में आया, 2 का हमने गुणा इसमें किया, इसमें किया, 3R को उधर भेज दिए हैं। यस या नो में बताइए कि यहाँ तक आपका मामला क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन आपका सही है, 3x-2। यस सर जी, चलो एकता प्रीतम। अब इसके सर एक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगा, अच्छा एक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे छूटा हुआ था। अब हम इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं कि किस तरीके से ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व कर देंगे।
तो आपने सही कहा था कि सर इसको जो है हमें वैल्यू निकालनी किस पे थी, हमें वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 1/5 पे, x इक्वल टू 1 यहाँ पे। अब देखो जब यहाँ तक कर लेंगे x की वैल्यू 1/5 पे निकालनी है ना, तो 1/5 पे निकाल देते हैं, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू आप चाहो तो रख के मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। तो ये 51-r है, स्टेप समझना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, -2, और x का मान किस पे निकालना है, 1/5 पे। तो 1/5 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, x की जगह पे हमने 1/5 रखा है और कुछ नहीं है। और नीचे क्या है, नीचे 3r है, ठीक है, बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 102 हो जाएगा, प्लस में 2r हो जाएगा, ठीक है, नीचे 5 3 15r हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 1। अगला स्टेप क्या होगा, आप उसे 15r को इधर भेज दीजिए, तो माइनस में 102 और प्लस 2r ग्रेटर देन 15r को इधर भेज देते हैं, हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 15 में से इधर ले जाएंगे 13, माइनस 102 और 2r इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 15r पहले से ही है, -2r, ठीक। 15 में से 2r को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 13, 102 ग्रेटर देन 13r, है ना, 13r। कितने बार में कटेगा, कुछ चीजें छूट रही हैं, क्या छूट रही हैं, अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि वैल्यू को पॉजिटिव में लेना था, हम लोगों ने निगेटिव में दिया था, लेकिन इसको पॉजिटिव में रखेंगे तो ज्यादा केस सही रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने x प्लस a को रखकर चला था, तो पॉजिटिव में ही रखिए, ज्यादा आपको आसानी रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा, बाकी चीजें सब कुछ प्रोसेस आपका ठीक है, बस जहाँ पे 2x था उसको पॉजिटिव में कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी 2x पॉजिटिव रह जाएगा तो 51 102 हो जाएगा, और यहाँ पे -2r है तो -2r हो जाएगा, -2r हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो +2r हो जाएगा, और 15 और 2 17r हो जाएगा, ठीक है, 17r। आपको r की वैल्यू चाहिए तो आप r इक्वल टू निकाल सकते हो, क्योंकि ये प्लस है वहाँ जब हम रखे थे, तो 102/17 वो नीचे भेज देंगे। देखो ये वाला स्टेप समझिए, 102/17 इसके नीचे आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन होगा आर से, ग्रेटर देन होगा आर से, तो 17 से काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 17 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार में, तो 6 बार में 6 इज ग्रेटर देन आर, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो पूछा था महत्तम पद कौन सा होगा, तो आर की वैल्यू निकालना था और आपने आर की वैल्यू ही निकाला है कि प्रसार में महत्तम पद कौन सा होगा, तो इस सीरीज के, हाँ, इस क्वेश्चंस के मैक्सिमम पद देखो रखना तो यहीं पे आपको एन और आर की वैल्यू रखनी है, लास्ट में एक्स के जगह पे जो वैल्यू था उसे पुटअप कर देना था, जैसे एक्स का मान यहाँ पे 1/5 पे रखना था, तो 1/5 पे ही हमने रखा था, और लास्ट में पता चला कि 6 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः महत्तम पद 6 यानी कि छठवां होगा, T6 होगा, है ना, छठवां टर्म्स होगा। अभी आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा जितना आना चाहिए था, इसको एक बार और नए क्वेश्चंस के साथ करेंगे। बोलो यहां तो कुछ आइडिया लगा कि कैसे करना था, महत्तम पद हमें किस तरीके से निकालना था, फार्मूला वही है जो आपको पिछले में बताया गया है, आईएस देवी का, चलो आरडीएक्स का प्रणाम, आ रहा है सर, ठीक है, आ, क्योंकि ये कठिन ज्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है पहली बार आपके लिए हो तो कठिन हो, एक बार मैं फिर से आपको बताते रहूं। देखो क्वेश्चन यही था कि प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करो, बिल्कुल ध्यान से समझना, महत्तम पद ज्ञात करना, और हमें पता है महत्तम पद का फार्मूला ये होता है एन माइनस आर प्लस 1/r इंटू ए बाई एक्स, हमें एन की वैल्यू, आर की वैल्यू
और आर की वैल्यू तो निकालनी है, ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को रखना था। तो एन के जगह हमने 50 रखा, आर के जगह आर ही है प्लस 1 है अपॉन में आर है, ए के जगह पे हमने पॉजिटिव लिया गया है जानबूझ के अपनी मर्जी से, और एक्स के जगह पे 3 लिया गया है जो कि दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पर 50 और 51 माइनस आर, 2x वही है, 3r नीचे है, 2x का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, अच्छा 2x की वैल्यू रख देंगे, जब x आ जाएगा लास्ट में तो x की वैल्यू 1/5 रख देंगे। तो अब पता चला कि 2 का किए ऊपर 102 माइनस 2r, और 5 का 3 में कर दिए 15r। ठीक है, 15r को हम लोग क्या किए इधर भेज दिए, तो 15r इधर आ गया और 2r माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15 और 2 17r हो जाएगा, यानी कि r बराबर 6r गया। इस तरीके से आपको कई सवाल अभी बनाने हैं, जरूरी नहीं है कि देखो इसमें दो तरीके के सवाल आपसे पूछेंगे, एक तो पूछेगा कि महत्तम पद ज्ञात कीजिए, है ना, तो महत्तम पद ज्ञात करने का तरीका आपको बताया गया है, इस पे अभी दो चार क्वेश्चंस और किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा सुनो, आपको इस टाइप के कई सवाल खुद से प्रैक्टिस करने होंगे महत्तम पद ज्ञात करने के लिए, जबकि महत्तम पद और या तो पूछ देता है कि महत्तम गुणांक, जैसे छठवां T6 हमें पता चल गया कि महत्तम होगा, है ना, या फिर कहीं कहीं पूछ देगा कि महत्तम गुणांक ज्ञात कीजिए, तो जब महत्तम गुणांक कहेगा तो उसके लिए एक क्वेश्चन को और हम लोग कर लेते हैं ताकि उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी है इस एक्सरसाइज में महत्तम पद ही ज्ञात करना है, और उसको आपको खूब आज क्लियर करना है, सीखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ताकि आपका और ज्यादा डाउट क्लियर हो जाए, जैसे 2x-3 है के पावर में 13 है ना। चलो क्वेश्चन है 2x-3 के पावर में 1/3 है ना, पूछा है कि प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक, के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक, ठीक है, सबसे बड़ा गुणांक पूछा है, मैक्सिमम महत्तम पद या सबसे बड़ा, बात एक ही है, तो सबसे बड़ा पद कौन सा है वो निकालेंगे और उसका गुणांक निकाल लेंगे, है ना। जैसे हमें पता चले उसमें छठवां पद सबसे बड़ा था तो छठवें पद का जो कोफिशियंट होगा वो निकाल लेंगे, यानी कि NC6 निकालता तो हम लोग उसको कर लेते, लेकिन अभी पहले हमें ये तो मालूम हो कि कौन सा पद जो है सबसे बड़ा होगा, इसको आप कीजिए लाइव ही, है ना। चलिए वैल्यू को रखिए, और इसमें क्वेश्चंस के वैल्यू दे रखा है, ए बराबर 1/3 और एक्स बराबर 3/4 पे, ए बराबर 1/3 पर और एक्स बराबर 3/4 पर, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है सवाल, कठिन है आसान है ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगे, ठीक। चलिए वैल्यू को अब रखिए, तुरंत आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है कि सबसे बड़ा पद यानी कि महत्तम पद क्या होता है, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर इज ग्रेटर देन इनटू ए बाई एक्स भी था ना, ए बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, इस फार्मूले का आपको यूज करना है। और इसमें एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन की वैल्यू आपको सर 1/3 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है आपको सर 2x है, और ए के जगह पे क्या है 3 पॉजिटिव लेके आने साथ ए बराबर 3 ले लेंगे, रखो तुरंत आंसर आपके सामने है, ठीक है। ठीक है चलो बताओ, सभी स्टूडेंट करो विवेक कराओ के, ये कौन है ट्राई, ये सवाल जो कर लिया समझो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो फिर से पूछना हमसे, फिर बताएंगे इसको। देखो एन की जगह क्या रखेंगे 1/3, माइनस आर की वैल्यू तो निकालनी है प्लस 1 कर दो, अपॉन में आर रहने दो, इंटू ए का मान कितना रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे, और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे भाई 2x रखेंगे, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 दिखा देना, बस अब इसी को सॉल्व करना है,
और इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व कर दीजिए कैसे सॉल्व होगा। चलो अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में 3a है ना, 3a है, तो आप भी क्या करेंगे 3a ही लेंगे, क्योंकि 3a था क्वेश्चन में, हम भी 3a ही लेंगे, बस हो गया। सॉल्यूशन कीजिए आपके सामने, तो इन दोनों को सॉल्व करो, 1/3 और 1 में 1/3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 * 3 यानी कि 4/3 हो जाएगा क्या। ये हो गया 4/3 माइनस आर, और नीचे कितना है आर है 3, और एक जगह पे कितना था भाई 3a था हमने रखा 3a, एक्स के जगह पे कितना था 2, और एक्स की जगह की वैल्यू एक्स के जगह पे 2x था, है ना 2x था, तो 2x यानी कि 2x ही रहने देते हैं, 2x ऑलरेडी है, और ग्रेटर देन 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अब ऑलरेडी आपको वैल्यू दिया रखा है 1 जगह 1/3 और एक्स जगह पे 3/4 आप ले सकते हो। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं आगे का, कोशिश कीजिए कि आप इसी लाइन में इसको कर दें, 4/3 माइनस आर, 3 * 3 = 9 हो गया, और a का मान कितना लिया था 1/3 पे, है ना, और r गुणे 2, x का मान कितना लेना था 4/3 पे, एक बार फिर से देख लेते हैं x का मान किस पे सोल्व करना है, 3/4 पे, तो हम लोग क्या लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, है ना 3/4 और ग्रेटर देन 1, सोल्व करके देखिए कहाँ पे पहुंच रहा है, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, ऊपर 3 आया 3 का अंदर चाहो तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 का 4 में करेंगे तो 12/3 है ना माइनस 3r, नीचे क्या बच रहा है 2 3/2r यानी कि 3r/2 इज ग्रेटर देन 1 है, इसको सोल्व कर दो कितना आ जा रहा है, तुरंत देखो 4 से कट गया यानी कि 4 - 3r इज ग्रेटर 3r/2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3r/2 का, है ना, r का मान कितना आ रहा है तुरंत सोल्व कीजिए। चलो श्वेता कुमारी rdx बताओ कि कितना आ जाएगा, एक चीज हमें और मिस कर दी, ये 1/3 नहीं था 13 था, पावर में क्या था 13 था, इट्स माई मिस्टेक, हालांकि इस पे भी आप करेंगे तो ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन क्वेश्चंस अलग आ गए थे, इसका कर दो 8 हो जाएगा, 2 का करेंगे 6r हो जाएगा, और 3r इधर है तो 6 * 3 = 9, 8 - 9r हो जाएगा, है ना 8 > 9r हो जाएगा, 6 इधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखते समय ही क्या हुआ था छूट गया था, तो एक बार फिर से उसे देख लो, क्योंकि 1/3 के जगह पे हमने 13 के जगह पे 1/3 लिख दिया था, तो मेन मिस्टेक तो यहीं पर 1/3 के जगह पे ये 13 था, यानी n का मान कितना था 13 था, क्या था 13 था, तो n के जगह पे क्या लेंगे, n के जगह पे 13 ले लेंगे डियर, बाकी आपका पूरा क्लियर है, 13 रहेगा 13 ही लेंगे। ठीक है तो जहां जहां पे अब तो पूरा का मामला ही छूट जाएगा, क्या करें फिर से कर देते हैं, चलो ठीक है इसको हम लोग यहां से फिर से ही सॉल्व कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है यहां से उठाइए इसको पूरा का पूरा, फिर से सॉल्यूशन कर दिया जाता है, कुछ छूटा तो नहीं है नीचे, चलो कुछ नहीं छूटा है, अब देखो इसको एक बार फिर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आपको कठिन नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको सारी वैल्यू पता है, n की जगह पे क्या रखेंगे 13 है तो 13 रख दीजिए माइनस r प्लस 1 अपॉन में r, और a की जगह पे क्या रखना था आपको 3a, और x की जगह पे क्या रखना था भाई 2x is greater than 1,
तेरह और एक कितना हो गया, चौदह हो गया, चौदह माइनस आर यहाँ पे हो गया, आर यहाँ पे हो गया, पूरे थ्री। और ए का मान किस पे लेना था, वन बाई थ्री पे और अपॉन में टू, और एक्स का मान कितना लेना था, तीन बटे चार पे, तीन बटे चार पे, तीन बटे चार पे, तो हमने रख दिया ये। अब ये आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देखो तीन से तीन कट गया, कट गया दो बार में, है ना, तो कितना आ रहा है आप वो सर, अब तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। 14 माइनस आर, ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे आर है, और तीन का गुणा करेंगे तो थ्री आर हो जाएगा, नीचे टू है तो टू रहने दो, इज ग्रेटर देन वन, है ना। इसको हम लोग अब इधर गुणा कर देते हैं, तो 14 माइनस आर बराबर थ्री आर बाई टू, ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल रहने। अब दो का इधर मल्टीप्लाई करा दो, जैसे आपने क्लास पांचवी छठवीं में सीखा वही तो चीज है। 14 में करेंगे 28 माइनस टू आर इज ग्रेटर देन थ्री आर, है ना। अब देखो मामला यहाँ पे फंसने जा रहा है, टू आर उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 28 इज ग्रेटर देन फाइव आर। पांच से 28 को भाग करेंगे कितना बार में, यानी कि आर बराबर जब आप निकालोगे फाइव आर ले से, तो आर का मान जब निकालोगे आपको सर 28, और पांच को नीचे भेज दो पहले, है ना, आर पांच से काटोगे कितने बार में, पांच छह का 30 पूरा पूरा कट जाता है। अब आपको ये सवाल जानबूझ के रखा गया था कि पांच से देखो पांच पांच 25 है ना, तीन बजा पांच छह का 30, 5.6 इज ग्रेटर देन, ये आ गया। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका पूर्ण संख्या में आए, जब डेसिमल में आ जाए तब क्या करेंगे, तो एक कंडीशन ऐसा भी बनता है कि जब दशमलव में आ जाए, 5.6 है तो दशमलव में आएगा, तो इसके आगे वाला पद हम लेंगे, यानी कि इस श्रेणी का मैक्सिमम पद कौन सा होगा, 36, यानी कि 5.6 है तो छठवां पद लेंगे, है ना। इसके नीचे आप लिख देना, जब भी दशमलव में आएगा तो नेक्स्ट वाला लेंगे, अर्थात T6 महत्तम पद होगा, महत्तम पद होगा, समझ में आया, जब दशमलव में होगा तो नेक्स्ट वाला लेंगे, T6 महत्तम पद होगा। आपसे पिछले सवाल में यही तक पूछा था कौन सा पद महत्तम होगा, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि महत्तम पद जो होगा उसका गुणांक क्या है, जैसे इस सवाल में पूछा, एक सवाल का आंसर यहाँ पे हो चुका है, इसमें एक सवाल और ऐड किया है कि सबसे बड़ा गुणांक यानी कि महत्तम गुणांक, तो पहले तो आप महत्तम पद निकाले हैं, अब इसका महत्तम गुणांक निकालेंगे, तो महत्तम गुणांक कैसे निकालेंगे, T6 निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, T6, तो T6 का फार्मूला लगा दो, तो एन सी, देखो T6 का एन सी कितना हो जाएगा, कितना, छठवां पद यानी कि जीरो, तो छठवां पद क्या हो, TC5 लेंगे, समझ में आया। जैसे T6 जब इसको खोलेंगे इसका व्यापक फार्मूला, तो पहले जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, यानी छठवें नंबर पे एन सी फाइव वाला टर्म्स आएगा, ये तो क्लियर है ना आपको, क्योंकि एक जीरो वाला पहले से रहता है, हमने आपको बताया था, है ना। यस सर, चलो ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो एन सी फाइव एक्स के पावर में एन माइनस फाइव, है ना, और ए के पावर में फाइव, ये हो जाएगा इसका छठवां पद, इसमें वैल्यू को रखेंगे और आंसर ले लेंगे। एन का मान कितना था भाई, 13 था, सी फाइव 13 सी फाइव, एक्स का मान कितना था, एक्स के जगह पे शायद 2x था, है ना, एक्स के जगह पे 2x था, और एन माइनस कितना, एक्स का मान कितना रहा, टू एक्स था, एक बार देख लेते हैं, एक्स का मान 2x है ना,
और ए के मान ए का पावर में 5। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू आ जानी चाहिए। चलो रखो एक बार ट्राई करते हैं। एन माइनस आर, एन का मान 13 था तो 13 माइनस 5 रख दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। 13c5 को हमें पहले सॉल्व करना है, तो 13c5 को हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। या तो 5 बार खोल दो, या तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे कर सकते हो। तो इसे ऐसे कर दो 13 फैक्टोरियल है ना, या फिर 13 को 5 बार खोल दो, 5 तक है ना, तो 13 एक बार हुआ, 12 2 बार, 11 3 बार, 10 4 बार और 9 5 बार, यानी 1 2 3 4 5 बार हमने खोल दिया। और नीचे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को खोल दो। ये खोलना आपको पीछे 13c5 की वैल्यू केवल अभी हम कर रहे हैं, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया क्या है, वहां पर ज्यादा डिटेल में बताया गया था। और यहाँ पे क्या है, 2x के पावर में कितना हो रहा है, 13 में से 5 गया 8 आ गया, और a के जगह पे क्या था, 3a था क्या, a के जगह पे क्या था, एक बार फिर से देख लो कि कितने, 3a था है ना, 3a था, तो 3a ले लेंगे, 3a ले लेंगे, यानी कि 3a के पावर में 5। अब इसको कैलकुलेशन करना है और सॉल्व करके बताना है कि कितना आ रहा है आपका। तो देखो 5 दूना 10, 10 से 10 कट गया राइट, और 4 3 12, 12 से 12 कट गया ठीक है। तो कितना आ रहा है टेल मी, बताओ। तो ये आपका 13 गुणे, हाँ 13 गुणे, देखो 11 बचा और 9, 11 9 99 में लिख दूँ, और नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, 2x 2, और x का मान किस पे निकाल रहे थे आप लोग, 1/3 पे, क्या x का मान किस पे निकालना था, एक बार देख लो, यहाँ से सबसे ऊपर जो दिया था x का मान 3/4 था, a का मान 1/3 था, इस पे वैल्यू को हम लोग निकाल देंगे। x का मान कितना था, 3/4 था, और a का मान क्या था, 1/3 था, 1/3 पे निकाल देंगे, पावर 5 पे। इसी को सॉल्व करना है, 13 गुणे 99 कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व करके हमें बताओ। 2 से काट दो 2 बार में, यानी कि 3 के पावर में 8 और 2 के पावर में 8 अलग अलग लिख दे। इसी तरह 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 के पावर में 5 ही ये तो है, तो एक ही लिखो, ये वैल्यू तो एक ही है। हाँ अब असली मजा है कैलकुलेशन का। कितना आ रहा है टेल मी, अब आप बताओ बताओ, कोई भी स्टूडेंट इसका वैल्यू हमें बताओ ना, 13 गुणे 99। कोई भी नहीं, इति तिवारी ने बोला सर 1287 होगा, सही है 1287 आ रहा है। इसके अलावा कोई, स्नेहा बताओ, आई थिंक एक बार मल्टीप्लाई करो, मोबाइल कैलकुलेटर का यूज करो, दिमाग का यूज करो, 1287 आ रहा है क्या, और 3 के पावर 8 ऊपर है, इसको खोलने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, और नीचे भी वैसे ही रहने दो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये उसका गुणांक है जो उसने पूछा था कि इसका गुणांक क्या होगा। जी सर सही है, हाँ यस PS यदुवंशी निकाल सर 1287 होगा, ये आपके ऑलरेडी बुक में भी दिया होगा, तो आपका आंसर तो ठीक है आ भी गया, लेकिन कैसे करना था एक बार फिर से समझनी है थोड़ा सा। जब आपको 6 नंबर मिल रहा है तो ऐसे नहीं मिलेगा, आपको एक पेज भरना पड़ेगा, और शुरू से समझिए फिर से। इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ, देखो एकदम आसान है, बस स्टेप आपका गलत नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक बताइए, तो सबसे महत्तम पद पहले निकालेंगे, तो सबसे महत्तम पद निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज किया गया, और ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। महत्तम पद निकालना आपको मैंने सिखा दिया है, बता दिया है, महत्तम पद पे जब 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है, तो महत्तम पद का फार्मूला यही है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ए बाई आर। आपको एन की और ए और एक्स की वैल्यू रखनी है। हमें यहाँ से सॉल्व करके पता चला कि आर का मान 5.6 है। नेक्स्ट वाला लेंगे बड़ा पद, यानी टी सिक्स जो है छठवा पद इसका महत्तम होगा, और छठवा पद महत्तम होगा तो छठवा पद को जब हम खोलेंगे तो एन सी आर एक्स पावर में एन माइनस आर और ए के पावर आर होता है फार्मूला। नहीं याद है क्या? आज ही पिछले वीडियो में तुम लोग थे कि नहीं? कहाँ पे लिखूं? एन सी आर का फार्मूला क्या होता है? अच्छा कोई भी पद, जैसे टी सिक्स निकालना है, टी सिक्स है ना, तो इसको लिखेंगे एन सी, छठवा है तो पांच लेंगे, एक कम लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी जीरो वाली चीज एक टर्म छूटा होता है, और एक्स के पावर में एन माइनस आर ए के पावर में आर, इसी को यहाँ पे लिखा गया है ना। उस फार्मूले को अप्लाई किया गया जो आपको पहले लेक्चर में ही बताया गया है या दूसरे में, उसके बाद इसको सॉल्व किया गया है। एन के जगह पे 13 5 है, एक्स की वैल्यू 2x दिया हुआ है, ए के जगह पे 3 है ना, उसको रख के हमने इसको सॉल्व किया है। देखो ए के जगह पे यहाँ पे 2a होना चाहिए था, 3a है ना, 3a। तो जब वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन ही है क्योंकि ये सवाल थोड़े से लॉन्ग टाइप के होते हैं, फिर भी आई होप, उम्मीद है कि आप कुछ चीज़ों को कवर किए होंगे और एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पिछले सवाल में भी यही था कि महत्तम पद बताइए, तो महत्तम पद वाला ही फार्मूला यूज किया गया था, और ये फार्मूला एकदम आपके दिमाग में अब सेट हो जाना चाहिए, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। छोटा सा फार्मूला है, बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको एक से अधिक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब एक बार आप समझ जाएंगे इसे तो आगे के सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में केवल आपसे या तो महत्तम पद पूछेगा या महत्तम पद में का गुणांक पूछेगा। तो महत्तम पद निकालना आपको बता दिया गया है, तीन चार लाइन का ये सवाल है अगर देखा जाए तो। बोलो समझ में आया? बोलो किसको किसको समझ में आया? समझ में नहीं आया तो भी पूछो। अभय प्रताप का टारगेट आईआरटी में टॉप रहेंगे? यस सर जी, आ गया आशुतोष करें, यस सर बिल्कुल। हाँ इति तिवारी करें, सर इसको इतने पे छोड़ देंगे तो मार्क्स मिलेगा ना? हाँ ये बिल्कुल आपकी बुक में भी दिया होगा, जिसके पास ये बुक होगा, और वहीं तक उसे करना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 to the power 8 को आप पूरा सॉल्व करेंगे तब तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। अर्पित डियर देखो आ गया सर, बहुत अच्छी बात। अगर आप समझ पाए तो मुझे नहीं लगता था कि आप इसे समझ पाएंगे, अगर समझ रहे हैं तो फिर ठीक है, आपका स्टैंडर्ड अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में बढ़ चुका है। इस पे बेस्ट मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा कल के वीडियो के बाद। अभी हमने देखो जो चीजें सीखा है ना, इस पे एक और तरीका भी अप्लाई करना है, लेकिन आज आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आज आपको कर लोगे तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जरूरी है। महत्तम पद ज्ञात करना हमने सीखा है कब? जब पावर में एन हो और एन एक पूर्णांक हो, जैसे 2, 4, 10, 15, 20, 25, 13 कुछ भी हो। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे जब एन की वैल्यू इस फॉर्म में हो, इसके जैसा, जैसे एन की जगह पे क्या हो जाए, या तो 1/2 आ जाए, 3/4 आ जाए, -5 आ जाए, -25 आ जाए, यानी कि इस टाइप में जब ये पावर में रहेगा तब इसी सवाल को किस तरीके से करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट में सीखेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर एक भी सवाल आपसे नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग देखो शुरू से एक बार, जो स्टूडेंट नए हैं वीडियो नहीं देखे हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया इसमें कई चीजें आपको एनसीआर यानी कि फार्मूला खोलना बताया गया है, का प्रसार करना बताया गया है, प्रसार करने के बाद मध्य पद निकालना, और मैं 17वां पद देखो ये एक्स के पावर 5 का गुणांक यही यूज हो रहा था बाद में, है ना, उसको, और आज महत्तम पद, और महत्तम पद के बाद महत्तम गुणांक, और महत्तम गुणांक के बाद अब जब पावर में
माइनस में हो या फिर अपॉन में कोई चीज हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। 6-7 टॉपिक है, इन्हीं को पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका काम हो जाएगा। तो कल फिर आपको 2 बजे से फिर एक लाइव क्लासेस मिलेगी, है ना, कल फिर से लाइव क्लासेस मिलेगी, और नेक्स्ट वाले को पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे। समय आपको दिया गया 1 दिन का, आप महत्तम पद निकालना आज सीख जाएंगे। बोलो करोगे महत्तम पद का, कुछ क्वेश्चन भेज दे ग्रुप में आपके, ठीक है। आपको मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन आज भेज दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे प्लस उसका आंसर भी मैं रिलीज दे दूंगा, ताकि आप जो पढ़ना चाहता है उनके लिए। बाकी जो चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, अच्छा लगा होगा तो, समझ में आया होगा तो भी, और जो भी स्टूडेंट नए हैं पूरे तैयारी एकदम शुरू से कराया जा रहा है चैप्टर वाइज, आप 1 में वहां से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहां पे आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव करके रख लीजिएगा, आपको आगे के क्लासेस में हेल्प करेंगे। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। कठिन था क्लास लेकिन आपने उसमें पूरा सपोर्ट किया, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी ईमानदारी से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है।